আপুনি দীপাৱলীত চীনা লাইট দেখিছে, ৰং বিৰঙৰ লাইটবোৰো দেখিছে। কিন্তু এইবাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ চিৰমাউৰ জিলাত দীপাৱলীৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এই দীপাৱলীক বিশেষ কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে এইবাৰ গোবৰেৰে চাকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে চিৰমাউৰ জিলাৰ মহিলাসকলে। পশুপালন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে মহিলাসকলক স্বনিৰ্ভৰযোগ্য কৰাৰ বাবে এই উদ্যোগ হাতত লৈছে। हमने बहुत सारी महिलाओं को दिया बनाने के लिए इस कार्य के लिए जोड़ा है, प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और ये कार्यक्रम जैसे DRDA के सौजन्य से भी चल रहा है, तो सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे लाकर ये कार्य सिखाने का हमारा ध्येय भी है। নাহানৰ ওচৰৰ বালাসুন্দৰী গৌচৰত মহিলাসকলক গোবৰৰ পৰা চাকি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। गोबर से दिए बनाने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमको ट्रेनिंग दी जा रही है, रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। हमें यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। यहाँ पर गौशाला में हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है गोबर से दिए बनाने की, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰ্তমান 10-12 গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, যি প্ৰতিদিনে এই ঠাইলৈ আহি চাকি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ লয়। ये दिए जो हैं बिल्कुल टेस्टी रहे और इसमें जो हमारा पशुपालन विभाग है वो ट्रायल कर रहा है कि इसमें ना तो ये गर्म होते हैं, रीयूजेबल हैं। जब आप इसको यूज करने के पश्चात अगर खाद के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 100% ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल पर्यावरण हितैषी है और सस्ते में बने हैं गाय के गोबर से। প্ৰশাসনে এইবাৰ দীপাৱলীক বিশেষ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে গোবৰ আৰু ৰঙেৰে চাকি প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে। हमारे महिलाओं के लिए एक इनकम का साधन बनेगा और थोड़ा सा हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि दिवाली तक लगभग 10 से 20 हज़ार तक के दिए हम बनाए और लोगों से आग्रह यही रहेगा कि बढ़ चढ़ कर इन दियों को वो खरीदे ताकि इसका जो अंश है इनकम का वो महिलाओं तक पहुंचे और वो अपनी इकोनॉमी को इस माध्यम से अर्जित कर सके। গোবৰৰ পৰা চাকি প্ৰস্তুত কৰা এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে প্ৰশাসনে বহু সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিছে, যাৰ এটা হৈছে বিপথগামী জন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যা সমাধান কৰা। এই অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনে সকলোকে থলুৱা বস্তুৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাত সহায় কৰে। ताकि हमारे सड़कों पे जो पशु रोग निराश्रित छोड़ रहे हैं उसमें कमी आए, जो हमारी दिवाली आ रही है ये सब के लिए इको फ्रेंडली हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स हम यूज करें, बी वोकल फॉर लोकल। দৰাচলতে পথত বিকশিত হোৱা বিপথগামী জন্তুৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সমস্যা। গোবৰৰ পৰা চাকি বনোৱা এই ধাৰণাটো হৈছে সকলোৰে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ এক উপায়। लोगों में एक यही मैसेज देने की इच्छा थी और एक प्रयास है प्रशासन और विभाग का कि इनको छोड़े नहीं, चाहे दूध नहीं लेकिन गोमूत्र और गोबर, एक दोनों गाय से मिलने वाले बहुमूल्य पदार्थ हैं जिनको थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग इंटरवेंशन और जिसको बोलते हैं अपग्रेडेशन के साथ एक इकोनॉमी का अच्छा साधन अर्जित किया। সামগ্ৰিকভাৱে গোবৰ বহু বিষয়ৰ সমাধান বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। এতিয়া অপেক্ষা মাথো দীপাৱলীলৈ, আশাবোৰো দীপাৱলীৰ পৰা। এই চাকিবোৰৰ উজ্জ্বল শিখাৰ দৰে সকলোৰে মনবোৰ উজ্বলি থাকক। এইবাৰৰ দীপাৱলীয়ে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা এই মহিলাসকলৰ জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িয়াই আনিব, লগতে সকলোৰে ঘৰবোৰত আশাৰ চাকি জ্বলি উঠিব। নেশ্যনেল ডেস্ক, ETV ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ETV ভাৰত।